राजघाट थाने की पुलिस ने ऑपरेशन ट्रिनेट की मदद से पीड़ित का खोया पैसा व सामान बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 19 जनवरी को अरविंद गुप्ता पुत्र भरत प्रसाद निवासी सिवान बिहार अपने बेटे के इलाज हेतु गोरखपुर आए थे, जो कि गोलघर थाना क्षेत्र कैंट से ऑटो में बैठकर घंटाघर बसंतपुर थाना क्षेत्र राजघाट पर उतरे। बीमार बेटे की देखरेख के चलते आनन फानन में साथ लाया गया बैग, जिसमें 1,45,000 नगद एवं कुछ कागजात तथा कपड़े इत्यादि ऑटो में ही छूट गए थे। घटना दोपहर करीब 11:30 बजे की है। इनके द्वारा जानकारी होने पर शाम करीब 5 बजे चौकी बसंतपुर पर चौकी प्रभारी डॉक्टर आशीष तिवारी को शाये गश्त के दौरान पैसे बैग गुम होने की सूचना रोते बिलखते हुए दी गई। चौकी प्रभारी बसंतपुर द्वारा तत्काल पीड़ित अरविंद गुप्ता उपरोक्त को सांत्वना देते हुए हमराही फोर्स की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए ITMS के विभिन्न चौराहों पर लगे कैमरे की मदद से 1.5 घंटे के अंदर खोया हुआ 1,45,000 नगद बैग व अन्य सामान बरामद कर पीड़ित व्यक्ति को सकुशल लौटा दिया गया, जिस पर पीड़ित व्यक्ति अरविंद गुप्ता द्वारा गोरखपुर पुलिस को हृदय से धन्यवाद दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित अरविंद गुप्ता और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अरविंद गुप्ता गोलघर से गए हम घंटाघर 11:15 के लगभग, वहीं पे मेरा बैग ऑटो में छूट गया और थक हार कर जब सर के पास मैं 5 बजे गया और 5 बजे गया बताया अपनी परेशानी, उसके बाद से 6:30 के अंदर सर ने फ़ोन करके बुलाया और बोला कि आपका बैग मिल गया है, आके आप थाने पर से ले जाए। कितना पैसा था बैग में? 1,45,000 रुपये। इसलिए कहाँ से आए आप? हम आए हैं सिवान से और बेटे का इलाज कराने के लिए आए हुए हैं और यही सोच के आए थे कि यहाँ अगर कुछ नहीं होगा तो आगे निकलेंगे। इतना जल्दी कम समय में आप पुलिस ने पैसा बरामद, क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर पुलिस के लिए? कोटि-कोटि नमन है। पूरा पैसा मिल गया? जी सर। जनपद गोरखपुर की पुलिस अपराध नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा मानवीय दृष्टिकोण भी गोरखपुर पुलिस का सामने परिलक्षित हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम अरविंद गुप्ता है, जो सिवान बिहार के रहने वाले हैं, कल अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ गोलघर से ऑटो में बैठे और यहाँ से वे बसंतपुर घंटाघर गए। अपने साथ में 1,45,000 रुपये बैग में भरे हुए थे उनके और उसके साथ में कुछ कागजात वगैरह थे, वो वहीं ऑटो में छोड़ दिए और भूल गए थे। उसके बाद में हताश हो गए, लेकिन उसके बाद में उन्होंने 5 बजे के आसपास चौकी प्रभारी बसंतपुर से बात की इस बारे में। चौकी प्रभारी बसंतपुर ने तुरंत तत्परता से कार्रवाई करते हुए CCTV के आधार पर ऑटो नंबर आइडेंटिफाई किए और विद इन 1.5 आवर्स 1.5 घंटे के अंदर सकुशल वो बैग बरामद किया और उसमें से संपूर्ण राशि 1,45,000 रुपये एवं अन्य कागजात भी गुप्ता जी को थाना चौकी प्रभारी बसंतपुर ने प्रोवाइड किए हैं। इसके लिए इस ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता और तत्परता के लिए चौकी प्रभारी बसंतपुर को IDG महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र से नवाजा भी जाएगा और उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छे पुलिसकर्मी होने का जो परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आप स्वयं मिस्टर गुप्ता भी यहां पे मौजूद हैं, आप उनसे भी वार्तालाप कर लीजिएगा और एक बहुत ही सुखद अनुभव कराने वाली इस तरह की घटना है, उसके लिए मैं चौकी प्रभारी बसंतपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।